देखने पर आपको आज जमकर हंसी आने वाली है। साथ ही सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किया गया है। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी लड़के की शादी से पहले की रस्में हैं, लेकिन ये बेरोजगारों की बारात निकालने से पहले की रस्में हो रही है, जिसमें बकायदा एक युवक को दूल्हा बनाया गया है। तेल चढ़ाई की रस्म हो रही है तो वही बकायदा महिलाएं गीत भी गा रही हैं। आपको हम ये पूरी वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से सारी रस्में निभाई गई। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ओम गदानन भूतगणादि सेवितम कपीत जंबुफल चारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तोलिया दे दो भाई, वो तोलिया दे रहे उप मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रमाण दो आड़ा है पाच सीधे कान ताग कर लो बोलना करना हो रहे हम। हाँ जी आगे आ जाइए, सामान ले सामान ले जो सामान ले एक बार तिलक कर दे। दो मिनट रुक के भाई पड़े राजा होना।
थैली में कर दो ना भरे थैली में दे दिखावा नहीं करा दे ना इन जज्जा का थैली में दो नू नहीं कर दिखावा करा करो काम कम करो है लयू भी ले ले तू दे रहा है और आधा पतिये कर दूंगा पूरा काम लयू अभी इधर है सत्कार ले एक भाई इसका हाथ लगाइए जोड़ी का बारात जो है वो निकाली जाएगी मुख्यमंत्री जी उसका निमंत्रण बोलो पटके में मुख्यमंत्री जी कम कोटा लगा हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से इस बेरोजगार मुंडे की शादी के लिए जो हमने हमारे से मानता नाम दे रहे हैं 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी का आश्वासन दे रहे हैं भाई साहब एचटीएच आजीवन करो इसका भी आश्वासन पक्का हरियाणा की नौकरियों में पहला आया हरियाणवी का इसका भी आश्वासन पक्का 5 लाख खाली पदों को भर्ती करने का भी आश्वासन खेल कोटा सीटी और ईबीपीजी को बहाल करने की भी भाई हम पूरी कोशिश करेंगे इसका भी हम आश्वासन देते हैं पुरानी पेंशन बहाल करने का भी आश्वासन हम दे रहे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी आश्वासन हम दे रहे हैं हरियाणा पुलिस और जेल कर्मियों को पंजाब के समान वेतन देने का भी हम आश्वासन आप लोगों को देते हैं जल्द से जल्द राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं कैदियों को सुविधाएं दी जाएंगी उनको न्याय दिया जाएगा जेल में कैद क्षेत्र प्रदेश निर्देश कैदियों को जल्द से जल्दी न्याय देने का भी हम आश्वासन देते हैं कैदियों को कोरोना काल में जो छुट्टी दी गई थी उनको सजा में इंक्लूड कर देंगे वो भी हम आश्वासन देते हैं जी। कैदियों को सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी मुहैया कराया जाएगा इसका भी हम आश्वासन देते हैं बीपीएल के जितने भी कई लाख लोगों के जो बीपीएल के कार्ड हमने काटे हैं उनको भी हम वापिस बीपीएल की सूची में डलवा देंगे यह भी हम आश्वासन देते हैं और कैदियों को वोट डालने का अधिकार भी हम दे देंगे क्योंकि यह बात जो मांग करी गई है अकबर जो जेल से जब कोई चुनाव लड़ सकता है और भाई सरपंचों के ऊपर साथ जो हमने अन्याय किया है जो सरपंच पूरे हरियाणा प्रदेश के उनको भी हम उनकी लिमिट बढ़ा देंगे और उनको खूब पैसा हम देंगे और उनको वापस बुलाने का जो हमने नियम कानून की बात करें उसको भी कोशिश करेंगे अकबर को वापस ना बुलाया जाए क्योंकि जब हम एल एम पी हम नहीं और कहने तो इस मांग भी जायज है यह मांग यू दे इधर भाई इसमें एक और रहेगी मांग हरियाणा में फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी नशा कलम जैसी जो समस्या का समाधान देखो ये बड़ी गंभीर मांग है यदि हरियाणा में नशा नहीं रहेगा और ये सारी चीज समस्या नहीं रहेगी तो राजपाट कैसे चलेगा ये भी इतनी मांग बहुत हमने आश्वासन दे दिया लेकिन भाई आश्वासन आप लोगों ने पता हमारी सरकार का आश्वासन कितना जबरदस्त हुआ है और कोई मांग हो भाई परिवार की तरफ से या किसी चीज का और कोई मांग हो तो बताओ भाई काल विदाई तो बता देंगे विदाई तो काल होगी कल का क्या पता क्या हो अब बताओ जो चाहिए ये तो आप बार बार कहो आश्वासन तो बात थोड़ी बना ये आश्वासन तो 3 साल हो गए देते झूठे आश्वासन तो फायदा के है देखो मैं तो थोड़ी आ रहा है इस बात से सहमत नहीं हूँ हमने 3 साल नहीं है हमने 8 साल हो गए झूठे आश्वासन देते हैं और मैं यह बात कती आई एक्सेप्ट इट क्लियरली और आई एग्री इट कि 8 साल से हमारी सरकार ने जो हमने झूठ बोली है जो आश्वासन दिए हैं हमारी मजबूरी है अरे भाई ये हमारा संस्कार है हमारी सरकार का और हम ऐसे आश्वासन दे के या फिर वोट ले लेंगे क्या दिक्कत है तो सीएम साहब आप एक चीज बताओ ये बालक इतने परेशान हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं कल जो बारात आवेगी तो उसका प्रबंध क्या क्या है अरेंजमेंट क्या है उसका प्रबंध तो भी कल ही बता पाएंगे क्योंकि बाप ये कहने लगे कि भाई आपके आश्वासन
झूठे हैं तो बयाज हमको ऐसा आश्वासन नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कल पूरी कोशिश करेंगे, पूरा स्वागत किया जाएगा, बैंड बाजे वालों का भी स्वागत किया जाएगा, बुजुर्गों का भी किया जाएगा, विकलांगों का भी किया जाएगा, जितनी भी मांग हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनके बीपीएल के काटे गए, कार्ड काटे गए हैं, पेंशन काटी गई है, बेरोजगार सब प्रकार का सीटीओ से ईबीपीडीओ कैदियों की जो समस्याएं हैं, कितनी भी जितनी आपने मांग रखी है, उन सब की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन हम दे रहे हैं और कल सबका स्वागत होगा। सीएम साहब एक बार ये जेल मंत्री की था वो समस्या का समाधान कर देगा। जेल मंत्री सुन ली है मैंने, उसके बाद यदि किसी कैदी की शिकायत आ गई तो बख्शा नहीं जाएगा, तेरा मैं डिपार्टमेंट वापस ले लूंगा, जैसे मैंने खेल मंत्री का लिया है। अच्छा ये अपने रोडवेज मंत्री है, बालक छत्ता में बैठे बैठे मंत्री भाई साहब आप आपकी 20 शिकायत आली, कदे खदाना की बात आवे, गाड़ी ने खा गया, कदे बाल बेचने खा गई भी है, रोडवेज की बसों की बात आ गई, ये बच्चे छतों में तो घूम रहे हैं, 5000 बस नहीं संभल कर इसके अंदर हरियाणा रोडवेज की, और अगर बच्चे छत पर पाएगा ना तो आप ऊपर चले जाओगे, मंत्रालय नीचे रह जाएगा। आज ये वही साहब बताओ इनकी आप चालन देते ना, सारी रिपोर्ट वो कराए डॉक्टर ना की तय है, हरियाणा पुलिस वाले 30,000 भर्ती या टकी खड़ी है, वे बालक हरियाणा पुलिस के ही रिजल्ट की बात में है, बताओ आप। मैंने आपको पहले कई बार बता लिया गया मंत्री जी, अब आप सरकार खुद चलाना चाहते हो, सीआईडी खुद अपने पास रखना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, 20 साल मैंने सेवा की है, दाल खिचड़ी बनाई है, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, कितनी शिकायत है आपकी प्रशासन के अंदर, क्या है उसका नाम मर्डर हो रहे हैं, हत्या हुई, डकैती, लूट खसोट, चैन स्नेचिंग, और क्या करते हो, बलात्कार के कितने केस हैं, मुख्यमंत्री मैं बनू, मामला यहाँ पे फंसा हुआ अब तो मारा 35 साल तो हमने लिया, तो कल आए हो, कल कहा है 20 साल तो हमने खिचड़ी बनाई है, झूठ बोला मुख्यमंत्री, झूठ बोला है ये तो जी, ये अपने ये मंत्री जी है पंचायती राज, ये सरपंच दूंगा, बता अपने आप करोड़ा रुपये के टेंडर ठवाओगा, यू के मतलब मुसीबत डाल रहे हो पंचायत मंत्री जी, पहले सरकार पर 20 साल की समस्या हुई है, आप ये क्या स्टेटमेंट देते हो, किसने कहा आपको मीडिया से बात करने के लिए, सबको मना कर रखा है मीडिया से कोई बात नहीं करेगा, भाई यू आर टॉकिंग विद मीडिया, दोबारा शेयर कटोगी मीडिया में, देखो गलत गलत बयान दिया था, मंत्रालय भी छीन लिया जाएगा, सिद्धांत। हाँ जी, ये उप मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे 75% वाला नौकरियां मारे वो देंगे हरियाणा वाले ने, ये तो बाहर क्या लड़ लग रहे हैं, जो क्या के दी है बताइए, कितनी कंपनियां हम दे दी 75% जी, हम तो अपने बाप दादा के सर पर पांव रखे तब तो हम तो इजाद आए हैं, अरे बाम बताओ इनती दे दे तो हमारे तो रखी रहेगा, फिर वापिस बाप दादा के पास भेज देंगे, आपको बता रखे है आपका भरने समर्थन की जरूरत नहीं है, आप लिमिट में रहा करो, लिमिट में काम किया करो, न तो वापिस समर्थन ले लिया अपना, जरूरत नहीं। ये सारे निगमा में कितना भ्रष्टाचार है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे निगमा में तड़के सांझ ताई लोग पड़े रहे हैं, सीएम साहब बताओ ये मंत्री जी को आप क्या कहोगे, आप क्यों मेरी सरकार बदनाम करने पर तुले हुए, जी पे तो मौका लगा है जी खान का, खालो आदमी ने खालो तुम, आदमी खालो तुम, गरीबा तो नहीं, गरीबा ने और बेरोजगार ने खाऊंगे, पहले मेरे पीछे लगे हुए हैं बेरोजगार के मामले पर, मेरे को पहले उठाना चाहते हैं, ऊपर से तुम क्या करके छोड़ोगे भैया, आप मान जाओ यार, कौन से मंत्री, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों, ये यो जो है यो छोरी छेड़ना बाट लेकर यो क्या मतलब है, ये क्या मतलब है बताओ, अरे बेशरम है नहीं आप तो सपोर्ट करो, ये क्या है, सपोर्ट कर रहे हो आप, ये कह रहे हो बोला इसने कौन सा बोला आरोप लगाया, क्या मतलब उसको दोबारा बोला मंत्री को, मंत्री ने दोबारा वापिस आया, मंत्री कहाँ गया, मेरा भगा जूते मार मार के करेगा, आओ मंत्री, पुलिस
इसको कम यार ये क्या आपने लड़की के साथ कुछ छेड़खानी की ये लड़कियों को छेड़ता है और आप क्या कहते हो आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता ये क्या स्टेटमेंट है सीएम साहब आपकी शर्म नहीं आती आपको थोड़ी मैंने तो इसको साधा ब्रह माना है लेकिन ब्रह है इसको हटाओ नहीं हटाओ इसको किस लिए रख रखे आयो पिंड क्यों नहीं आप ये आप दोगली बात मत करो पहले तो आप इसकी सपोर्ट करते हो इसका रिजाइन लेना चाहिए बताओ जब ये इस तरह की हरकत करता है आपको पता है आप एक निष्पक्ष जांच नहीं करा सकते शर्म नहीं आती आप लोगों को क्यों नहीं देना आपने आपने मेरे को कैसे ऑफिस से बुला के कोई कंपनी में सुन लो मामला मेरी बात सुनो बात यह है सीएम साहब है ऐसे लोगों को आप अपने मंत्रिमंडल में रखो हमने आपको निष्पक्ष जांच की बात करी लड़की गलत है लड़की ने जेल में डालना फेरे अगर लड़की गलत है तो इसने ठाई ठाया नला रही सा के दाब रहा है कि कौन से राज छुपा रहा है ये कति गलत बात है अरे हमें बता रहे हैं कल सारी समझ कल बरात आवे पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए सीएम साहब सीधी बात है कल बरात आओगी बेरोजगार की 12 बजे रोहतक मेहमान छोड़ पारा में कट्ठे हो गावेंगे और यो दिखना नीचे और छोरी छेड़े लगड़ रहे तू हटता है मेरी सरकार की अच्छी करा रहा आपको बता दें कि आप पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैहिंद द्वारा बेरोजगारी को लेकर सरकार को चेताने के लिए बेरोजगारों की एक बारात निकाली जा रही है जिसको लेकर बकायदा एक कार्ड भी छपवाया गया था तो वहीं अब जब कल बारात निकलनी है तो ऐसे में उससे पहले की सारी रस्में की जा रही है जिसमें मौजूदा सरकार के मंत्रियों के मुखौटे डालकर मंत्रियों द्वारा कही गई बातें भी बोली गई है तो आपसे फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।